ऑनर सेमेस्टर 3 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक में से हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। इसका पहले हम दो क्लास कराए हैं, एक क्लास में हम आपको ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन कराएं, दूसरा क्लास में हम आपको डिपार्टमेंटल से रिलेटेड दो क्वेश्चन कराएं, सब इम्पोर्टेंट। आज हम आपको तीसरा चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड दो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। वो दो क्वेश्चन आप लिखिए, फिर उसको हमको समझा के आपको बताएंगे। ओके, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। मिसेस वंदना रन्स ए स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस, फुल स्टॉप। शी वॉज मेंटेनिंग ओनली सम रिकॉर्ड विच वेर सफिशियंट टू रन द बिजनेस, फुल स्टॉप। ऑन 1st April 2015 अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर रिकॉर्ड्स included that she had the following assets and liabilities. Arrow dekhi likhe, printing press 5 lakh, building 2 lakh, stock 50,000, cash at bank 65,600, cash in hand 7,980, comma dekhi likhega, due from customers, ब्रैकेट में लिख लीजिए डेप्टर्स 20,350, कॉमा ड्यू टू क्रेडिटर्स 75,340 एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹5,000, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज, सी विथड्रॉ ₹8,000 एवरी मंथ फॉर मीटिंग हर पर्सनल एक्सपेंसेस, फुल स्टॉप। She has also introduced ₹15,000 during the year as additional capital, full stop. Paragraph change. On 31st March 2016, her position was as follows. Arrow dekhi likhiye. Printing press 5,25,000, buildings 2 lakh, stock 55,000, cash at bank 40,380, cash in hand 15,340. Due from customers, नगर में डेप्टर्स 17,210, due to creditors 65,680, full stop. Paragraph change. Calculate the profit made by Mrs. Vandana during the year using statement of affairs method. Okay, आइए question number 2 लिखिए. Mr. Ashok does not keep his books properly, full stop. Following information is available from his books. ठीक है, पर्टिकुलर कॉर्नर में दो कॉलम बनाइए, एक कॉलम में डेट लिखिए 1st April 2015 ओपनिंग, दूसरे कॉलम में डेट लिखिए 31st March 2016 ये क्लोजिंग। ओके, लिखिए पर्टिकुलर में सन्डे क्रेडिटर्स, फर्स्ट में लिखिए 45,000, सेकंड 1,93,000, लोन फ्रॉम वाइफ पहला में 66,000, दूसरा में 57,000, सन्डे डेप्टर्स पहला में 22,500, दूसरा में कुछ नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग पहला में 89,600, दूसरा में 90,000, कैश इन हैंड पहला में 7,500, दूसरा में 8,700, बैंक ओवरड्राफ्ट पहला में 25,000, दूसरा में कुछ नहीं, फर्नीचर पहला में 1,300, दूसरा में भी 1,300, स्टॉक 34,000 पहला में, दूसरा में 25,000। ओके, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखिए, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर अशोक सोल्ड हिज प्राइवेट कार फॉर ₹50,000 एंड इन्वेस्टेड दिस अमाउंट इनटू द बिजनेस, ओके फुल स्टॉप। He withdrew from the business ₹1,500 per month up to September 30, 2015, and thereafter ₹4,500 per month as drawings, full stop. You are required to prepare the statement of affairs, statement of profit or loss, and statement of affairs as on 31st March 2016. Okay, चलिए आइए हम लोग दोनों सम को एक एक करके समझा रहे हैं। पहला सम और दूसरा सम, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से बनाने वाला है।
एडजस्टमेंट है कोई विदाउट एडजस्टमेंट। आज हम जो दो सम दिए हैं आपको इम्पोर्टेंट सम, ये दोनों सम में कोई एडजस्टमेंट का आइटम दिया हुआ नहीं है। आगे क्लास में हम जाके एडजस्टमेंट के ऊपर कराएंगे। ओके, तो आपको पहला सम क्या बोला देखिए, रमेश वंदना रन अ स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस, शी वाज प्रिंटिंग ओनली सम रिकॉर्ड व्हिच वाज सफिशिएंट टू रन द बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2015 अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर रिकॉर्ड इंडिकेट दैट शी हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। 1st अप्रैल 2015 को ओपनिंग डेट है, 31 मार्च 2016 को क्लोजिंग डेट है, 1st अप्रैल 2015 को हम स्टेटमेंट में पेर बनाएंगे ओपनिंग कैप्टन निकालने के लिए, 31 मार्च 2016 को स्टेटमेंट में पेर बनाएंगे दूसरा क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। पहला वाला ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग डेट में बनाएंगे, ओपनिंग डेट में जो भी एसेट लायबिलिटीज दिया हुआ है उसका आधार पर हम 1st अप्रैल 2015 के स्टेटमेंट में पेर बनाएंगे। फिर 31 मार्च 2016 को जो पोजीशन दिया हुआ है एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में उसका पोजीशन के आधार पर हम दूसरा स्टेटमेंट में पेर बनाएंगे क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। लेकिन दोनों चीज में याद रखिएगा, एडिशनल कैपिटल और पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला ड्राइंग्स दोनों में कहीं नहीं दिखाएगा, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आगे दिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1st अप्रैल 2015। ठीक है, ओपनिंग डेट में लाइब्रेरीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। फिर दूसरा होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 2016 लाइब्रेरीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। पहला लो ओपनिंग वाला, आइए ओपनिंग का एक डेट में देखिए, पढ़िए 1st अप्रैल 2015 को अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला, प्रिंटिंग प्रेस 5 लाख, देखिए प्रिंटिंग प्रेस 5 लाख, बिल्डिंग 2 लाख एसेट्स है, स्टॉक 50,000, कैसेट बैंक 65,600, कैश इन हैंड 7,980, अरे कैश इन हैंड 7,980, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मीन्स डेप्टर 20,350, डेप्टर 20,350, ड्यू टू क्रेडिटर्स है 75,340, लाइब्रेरी साइड में क्रेडिटर्स 75,340, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, लाइब्रेरी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 हो गया। इधर का टोटल जोड़िए 8,43,930, इधर भी लिखिए 8,43,930, ये दोनों जोड़ के माइनस कर दीजिए, कैपिटल निकल गया बैलेंसिंग फिगर 7,63,590, ये कैपिटल निकल गया, बैकेट में लिखिएगा बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल निकल गया, दोनों साइड का टोटल 8,43,930। ओके, स्टेटमेंट में पेयर क्लोजिंग बनाएंगे 31 मार्च 2016 को क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ओके, आई एम क्लोजिंग डेट का पोजीशन पढ़ के बता रहे हैं, क्या दिया हुआ प्रिंटिंग प्रेस 5,25,000 एसेट्स है, बिल्डिंग 2 लाख, स्टॉक 55,000, कैसेट बैंक 40,380, कैश इन एंड 15,340, अधिक कैश इन एंड 15,340, ड्यू फ्रॉम कस्टमर डेप्टर 17,210, ड्यू टू क्रेडिटर्स 65,680, अधिक क्रेडिटर 65,680, क्लोजिंग डेट में कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस दिया हुआ नहीं है। ओके, आइए जोड़िए, इधर 8,52,930, इधर भी लिखिए 8,52,930, ठीक है, कैपिटल निकल गया बैलेंसिंग फिगर इसका साथ माइनस कर दीजिए 7,87,250, बोथ साइड टोटल 8,52,930। ओके, ये ओपनिंग कैपिटल निकल गया, क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, एडजस्टमेंट का कोई आइटम दिया हुआ नहीं है, एडिशनल कैपिटल बोल दिया है 15,000 और ड्राइंग्स बोल दिया प्रत्येक महीने 8,000 रुपये करके पर्सनल यूज के लिए निकाला रहा है। ओके, अब स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैकेट में फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 पर्टिकुलर दो अमाउंट का कॉलम क्या करते हैं, याद है क्या लिखते, पहले क्लोजिंग कैपिटल मैंने कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2016 बैकेट में क्लोजिंग, सेकंड कॉलम में 7,87,250 निकला था, उसका साथ क्या करते हैं एड ड्राइंग्स 8,000 पर मंथ है, 8,000 पर मंथ इंटू 12 महीना 96,000, दोनों ऐड कीजिए 8,83,250,
ओके लेस बीच में जो एडिशनल कैपिटल कितना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 15,000 रुपया लेस एडिशनल कैपिटल 15,000 रुपया ओपनिंग कैपिटल कितना निकला था 7,63,590 दोनों जोड़ के आउटर में लिखे 7,78,590 8,83,250 के साथ 7,78,590 माइनस किए पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट हुआ नेगेटिव आता लॉस होता प्रॉफिट कितना हुआ 1,04,660 हो गया पहला सम का क्वेश्चन का सॉल्व हो गया आइए अब दूसरा सम हम बता रहे हैं थोड़ा सा हट के है ओके दूसरा सम का क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं फिर पढ़ के उसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला देखिए मिस्टर अशोक डज नॉट कीप हिज बुक्स प्रॉपरली फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम हिज हिज बुक्स 1 अप्रैल 2015 ओपनिंग के इसका पोजीशन दिया हुआ है 31 मार्च क्लोजिंग में इसका पोजीशन दिया हुआ है दोनों डेट में सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है इसीलिए हम इसको एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ओपनिंग स्टेटमेंट बना के 1 अप्रैल 2015 में ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2016 में बना के स्टेटमेंट में फिर से क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे ओके आइए पहले ओपनिंग डेट में स्टेटमेंट में पेरा सर 1 अप्रैल 2015 को बनाना है लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट ओके पहला डेट में जो दिया हुआ फिगर देख के मैं क्लिक करके पढ़ रहे हैं सबसे पहले संडी क्रेडिटर 45,000 ओपनिंग डेट में देखिए संडी क्रेडिटर 45,000 लोन फ्रॉम वाइफ लाइबिलिटीज है लोन फ्रॉम वाइफ 66,000 सनडी डेप्ट प्लस 22,500 एसेट में सनडी डेप्ट 22,500 लंदन बिल्डिंग 89,600 अधिक लंदन बिल्डिंग 89,600 कैश इन हैंड 7,500 कैश इन हैंड 7,500 बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000 लाइबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000 फर्नीचर 1,300 अधिक एसेट साइड में फर्नीचर 1,300 स्टॉक 34,000 अधिक स्टॉक 34,000 बस ओपनिंग डेट में कुछ नहीं दिया हुआ है सारा जोड़ी एसेट साइड में 1,54,900 इधर भी लिखे 1,54,900 ये दोनों तीनों जोड़ के माइनस कर दीजिए बैलेंसिंग फिगर निकल गया 18,900 कैपिटल निकल गया बैलेंसिंग फिगर 18,900 ओपनिंग कैपिटल निकल गया 18,900 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग से बनाए मिस्टर अशोक का 1 अप्रैल 2015 में बता रहा कि इसका कैपिटल फर्म में कितना था बिजनेस में 18,900 रुपया आइए स्टेटमेंट में प्यारा बना रहे हैं 31 मार्च 2016 को ओके स्टेटमेंट में प्यारा है 31 मार्च 2016 लाइब्रेरीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट ठीक है आइए क्लोजिंग डेट में पढ़ रहे हैं सिंडिकेटर 93,000 अधिक सिंडिकेटर 93,000 लोन फ्रॉम वाइफ 57,000 अधिक लाइब्रेरी साइड लोन फ्रॉम वाइफ 57,000 लंदन बिल्डिंग 90,000 अधिक लंदन बिल्डिंग 90,000 एसेट साइड में कैश इन 8,700 एसेट साइड में कैश इन 8,700 बैंक को मतलब दिया हुआ है नहीं है फर्नीचर 1,300 अधिक फर्नीचर 1,300 स्टॉक 25,000 अधिक स्टॉक 25,000 ओके अब हम लोग जब जोड़ रहे हैं तो इधर ज़्यादा मिल रहा है लाइब्रेरी साइड ज़्यादा है एसेट साइड में कम है एसेट साइड में बैलेंस नहीं कर रहा तो एसेट साइड में कैपिटल लिखिएगा नेगेटिव कैपिटल नहीं कर रहा है दैट मीन्स ये फर्म से पैसा कैपिटल में है नहीं ये फर्म कैपिटल के अगेंस्ट में ज़्यादा पैसा निकाल लिया है ना इसीलिए एसेट साइड में लिखिएगा कैपिटल नेगेटिव बैकेट में लिख लीजिएगा बैलेंसिंग फिगर 25,000 दोनों साइड का टोटल 1,50,000 रुपया इधर का टोटल ज़्यादा है 1,50,1,50 नेगेटिव है आइए हम जब सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे करके होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 ठीक है पर्टिकुलर अमाउंट और दोनों अमाउंट का कॉलम क्लोजिंग कैपिटल नेगेटिव है नेगेटिव बैकेट में लिख दिए 31 मार्च 2016 को 25,000 रुपया दिए माइनस साइन दे दिए एड ड्राइंग्स जोड़ते हैं ठीक है 1,500 रुपया पर मंथ करके निकाल रहा है 30 सितंबर 2015 से निकाल रहा है 2015 तक वो निकाल रहा है 1 अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर तक 1,500 रुपया करके पर मंथ निकाल रहा है मैंने 6 महीने है 1,500 रुपये का देयर आफ्टर 4,500 रुपीज पर मंथ उनमें उसके बाद 6 महीना 4,500 रुपये करके निकाल रहा है एड ड्राइंग्स 1,500 रुपये पर मंथ इंटू 6 महीना प्लस 4,500 रुपया पर मंथ इंटू 6 महीना टोटल हो गया 36,000 रुपया 25,000 नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा 11,000 रुपया पॉजिटिव है याद रखिएगा ओके
लेस क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल है ना, एडिशनल कैपिटल के बारे में बोल दिया। वो अपना प्राइवेट कार को 50,000 रुपये में बेच दिया, वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ये पैसा क्या है, एडिशनल कैपिटल है। लेस एडिशनल कैपिटल 50,000 रुपया। और ओपनिंग कैपिटल निकला था कितना, 18,900 रुपया। ओपनिंग कैपिटल 18,900 दोनों जोड़ के 68,900 माइनस करेंगे, 11,000 पॉजिटिव है, और ये माइनस करेंगे ये नेगेटिव है, तो रिजल्ट नेगेटिव ही आ रहा है। दैट मीन्स लॉस हो रहा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 में, लॉस ड्यूरिंग द ईयर 57,900। ओके, दोनों सम अलग अलग का था लेकिन विदाउट एडजस्टमेंट का सम था। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे जाके एडजस्टमेंट का सम बताएंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट और पेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट या पेयर एडजस्टमेंट का साथ प्रॉफिट एंड लॉस फिर बैलेंस शीट, ठीक है, ये दोनों सब इम्पोर्टेंट सब है बिना एडजस्टमेंट का ऊपर। ओके, आज का समाचार रेगुलर नहीं समाप्त होता है, लास्ट में बार बार बता रहे, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में घंटी बजाना, टिन 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 टिन, बाय।